जैसे कि इंफोसिस के रिजल्ट्स आए तो मेरी सबसे पहले कुछ इंडिकेटर्स होते हैं उन पे नज़र जाती है कि कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ जो हुई है वो अराउंड 20% से ऊपर की हुई है, कंपनी की पैट ग्रोथ जो है वो सिर्फ 9% की है। इसका मतलब कंपनी का जो रेवेन्यू इंक्रीमेंटल बढ़ रहा है उसके अंदर उस स्पीड से ज़्यादा कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं और उसको सस्टेन ना करने की वजह से डिफरेंस आ रहा है रेवेन्यू ग्रोथ और पैट ग्रोथ के अंदर। अब सुना ये जाता है कि अगर कोई बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होता है, स्केल बढ़ जाता है, तो उसके अंदर ऑपरेशंस के अंदर ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होता है, जिसकी वजह से रेवेन्यू ग्रोथ अगर 3% से बढ़ रहा है तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ जो है वो 3% से ज़्यादा की बननी चाहिए, क्योंकि आपको सेम काम करने के लिए अगर एफिशिएंसी नहीं आ रही तो इसका मतलब आपके फंडामेंटली बिजनेस के अंदर कोई दिक्कत आ रही है। तो यही हो रहा है इस टाइम पूरे के पूरे आईटी सेक्टर के अंदर कि उनके रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई दे रहे हैं लेकिन पैट ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन्स के अंदर सेम लेवल की ग्रोथ भी मेंटेन नहीं हो रही, बट इंस्टेड आपकी उससे कम की ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो जो माहौल इस टाइम चल रहा है कि आपकी रेवेन्यू तो ठीक ग्रो हो रही है लेकिन जब तक कोई कंपनी अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कंट्रोल नहीं करेगी तो ये इस टाइम डाउन ट्रेंड में इंडस्ट्री जाना शुरू हो जाती है। तो ये एक साइक्लिकल हिसाब हो सकता है, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा एम्प्लॉई कॉस्ट के अंदर इंक्रीमेंटल ग्रोथ दिखाई दी थी और उस माहौल के अंदर काफ़ी कंपनीज ने अपने वॉलेट बहुत बड़े बड़े खोले थे, जिसकी वजह से उन्होंने जो एम्प्लॉयज़ हायर करे उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा बड़े थे और अगर वो कॉस्ट स्ट्रक्चर सस्टेन करने थे तो आपको उस लेवल की रेवेन्यू ग्रोथ भी दिखाई देनी चाहिए थी। तो यहाँ आ गया सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया कि आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो तो आपकी फिक्स कॉस्ट के अंदर जुड़ गई लेकिन आपका रेवेन्यू अगर सेम लेवल पे नहीं बढ़ रहा या फिर आप अपने कस्टमर्स के ऊपर अपनी जो बिलिंग दे रहे हैं वहाँ पे कस्टमर्स आपकी वैल्यू एडिशन को सफाइस नहीं कर रहा तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो यही हो रहा है पूरे आईटी सेक्टर के अंदर और अगले 5-6 महीने जो है, जो अगले 2 क्वार्टर के अंदर अगर इन कंपनीज ने अपने आप को वापस इससे टर्न अराउंड नहीं किया तो फर्दर इनके मल्टीपल्स के अंदर इसका इफेक्ट आएगा। ये तो बात हुई कंपनी के बिजनेस की, अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन एस्पेक्ट की कि लोगों को लगा कि 1700 का शेयर है अभी इस टाइम 1400 के आसपास आया हुआ है तो इसमें वैल्यू बाय बनता है, लेकिन आप कोई भी शेयर के अंदर एंट्री लेते हैं तो उसके अंदर एक लॉन्ग टर्म एवरेज चेक करते हैं उसकी पी रेशियो के ऊपर। अगर पूरे आईटी सेक्टर के अंदर आप TCS, इंफोसिस जैसी कंपनीज को 35-38 की पी पे ले जाएंगे और उनकी लॉन्ग टर्म एवरेज अगर 20-25 की है तो इसका मतलब शेयर आपका ओवर वैल्यूड हो चुका था। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि 1700 का शेयर है वो हमारा इस टाइम 1200-1300 के आया हुआ है तो एक अच्छा लेवल है, नहीं, आपको अपना पूरा का पूरा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा कि कंपनी की लॉन्ग टर्म एवरेज क्या है पी रेशियो को लेके, क्योंकि अगर आपकी पी रेशियो लॉन्ग टर्म एवरेज की 20 की बैठी होगी और शेयर अभी भी आपका 25-30 पे होगा तो उसके अंदर जो अपसाइड है वो आपको ध्यान से चेक करनी है अपने एंट्री लेवल पे। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिस पे पूरे वर्ल्ड की एक्विटीज जो हैं वो ट्रेड करती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म एक एवरेज जो पी रेशियो की होती है वो एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कि अगले पिछले 5 साल से शेयर इस एवरेज पे ट्रेड कर रहा था और उस एवरेज से जब वो शेयर बाहर जाता है या तो कंपनी के फंडामेंटल्स के अंदर एक बहुत मैसिव चेंज आना चाहिए या फिर अगर वो शेयर उससे कम आ जाता है तो ऐसा हो सकता है कि शेयर बाजार के अंदर पिटाई की वजह से शेयर आपका टूटा है, लेकिन आपका एक सस्टेनेबल लेवल से शेयर बहुत टाइम के लिए बाहर रहे और आपको फंडामेंटली बिजनेस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रही तो ये एक रेड फ्लैग है। तो यही गलतियां लोगों ने करी पिछले 2 सालों के अंदर, इसलिए आप नोटिस करेंगे कि इंफोसिस और TCS का शेयर
सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है आज से 2 साल पहले। तो ये हुई वैल्यूएशन की बात। अब हम थोड़ी सी पॉजिटिव बात करते हैं कि इन्फोसिस का जो बायबैक ऑफर आया था मार्केट के अंदर वो 13 फरवरी को क्लोज हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट है, क्योंकि इस बायबैक का प्राइस था अराउंड 1800 से ऊपर का। लेकिन कंपनी ने जितने भी बायबैक करे हैं उनकी एवरेज प्राइस लेस देन 1550 है। तो ये भी एक अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी ने अनाउंस किया था कि हम बायबैक प्राइस 1800 तक का बाय कर सकते हैं मार्केट में, लेकिन शेयर प्राइस टूटने की वजह से कंपनी को सेम वैल्यू के शेयर्स आपको अराउंड 1500 के आसपास के मिल गए। इससे एक और इम्पोर्टेंट इंडिकेटर हुआ कि ये जो शेयर बायबैक करे हैं उससे कंपनी का अराउंड 1.14% एक्विटी जो है वो डाइल्यूट हो गया है, और उससे हमारे शेयर्स भी कम हो चुके हैं मार्केट में, जिनका लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। और ऐसी चीज़ें काफ़ी ज़रूरी रहती हैं कि कंपनी अपने एक्सेस कैश को कहाँ डिप्लॉय कर रही है। और अगर कंपनी की मैं कैश पोजीशन भी देखूँ तो वो भी अच्छी खासी है, और इस कैश को कंपनी फर्दर यूटिलाइज कर सकती है शेयर होल्डर डिविडेंड्स के अंदर, और मेरे हिसाब से एक और डिविडेंड प्लस बायबैक की गुंजाइश भी बन सकती है नियर फ्यूचर के अंदर, क्योंकि अच्छे प्राइस पे इस टाइम शेयर आ चुका है। और अच्छे प्राइस पे जब शेयर आता है तो कॉरपोरेट लेवल पे ये सुना जाता है कि बायबैक अच्छे टाइम पे ही करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मोमेंटम जो है अपसाइड की तरफ आ जाता है। तो मैं ऐसे नोटिसेस कर रहा हूँ इन कंपनीज के ऊपर, और इस टाइम इन कंपनीज को सिर्फ ध्यान से स्टडी करने का माहौल है, कोई जल्दबाजी नहीं है एंट्री लेने की। थैंक यू।